Hi friends, welcome back to Education India. तो अभी हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान कर्ज माफ़ी योजना के बारे में बहुत ही बड़ी खुशखबरी भी है सबके लिए क्योंकि प्रधानमंत्री यानी मोदी जी सबका कर्ज माफ़ करने जा रहे हैं दोस्तों लोकसभा चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार का बड़ा कदम है और यहां पर आप सबका कर्ज माफ़ हो रहा है संपूर्ण प्रक्रिया हम बताएंगे कि किस प्रकार कैसे हुई योजना की शुरुआत और क्यों कर रही है यहाँ पे कर्ज माफ़ी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक और देखिए पूरा का पूरा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके लेकिन दोस्तों पहले आपसे छोटी सी गुजारिश तो के निशान को जरूर दबा दे चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू तो मोदी सरकार बड़ा यहाँ पे घोषणा कर चुकी है कर्ज माफी का दोस्तों कर्ज माफी कब से बड़ा प्लान था लेकिन दोस्तों अब आप, आपकी कर्ज माफी सुनिश्चित हो रही है क्योंकि कुछ ऐसे ही हाल हो चुके हैं जिससे कर्ज माफी का दबाव बहुत ज्यादा हो चुका है अब मोदी सरकार पर अब दोस्तों हम बताते हैं आपको पूरी रिपोर्ट कि किस प्रकार कर्ज माफी का दबाव झेल रही है सरकार तो राहुल गांधी यानी विपक्ष की जो भी सरकारें हैं जो राहुल गांधी के साथ गठबंधन बना चुकी हैं और किसान का मुद्दा लेकर हमला कर रही है मोदी सरकार पर और इस प्रकार हमला कर रही है कि कर्ज माफी की जो अपनी कर्ज माफी योजना है उसका फिर से दबाव बनाकर ऐसा कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि कर्ज माफी की जाए पूरी देश को इसका लाभ दिया जाए तो यहाँ पे प्रधानमंत्री द्वारा किसान कर्ज माफी योजना को लेकर राहुल गांधी का बहुत ज्यादा दबाव बन चुका है अब दोस्तों मैं यहाँ पे रिपोर्ट भी बता देता हूँ आपको सबूत के साथ Osionfish. कि राहुल गांधी ने किस प्रकार से कहा है कर्ज माफ़ी पर फिर दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं तो फिर यहाँ पर मोदी सरकार पर भी बात करेंगे तो यहाँ पर चलिए आप बात करते हैं पहले राहुल गांधी सरकार की कि किस प्रकार राहुल गांधी ने अपनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात बताई कर्ज माफ़ी को लेकर कि हमारी सरकार ने जो कर्ज माफ़ी की बेहतर है और केंद्र सरकार को, को भी करनी चाहिए कर्ज माफ़ी तो राहुल जी का तगड़ा जवाब देखने को मिला है कर्ज माफी को लेकर दोस्तों मोदी सरकार पर इस प्रकार आपकी वार तो बिखरे हैं मोदी यहाँ पे राहुल की कह डाला कि अब की वार ना चलेगी आपकी मोदी ने देश में बढ़ाई गरीबों और अमीरों को पहुंचाया है फायदा दोस्तों ये यहाँ पे राहुल ने बोले हैं वाक्य राहुल गांधी दोस्तों कांग्रेस का, का उभरता सितारा और यहाँ पे खतरे की घंटी है ये मोदी सरकार के लिए राहुल जी अब की बार चुनाव को लेकर कुछ अलग अंदाज में नजर आए और यहाँ पर किसानों को अब की मुद्दा मान रहे को लेकर राहुल गांधी बिखरते नजर आए और यहाँ पे अब की बार जो है राहुल जी ने कुछ ऐसे ही अंदाज में कहा कि आप गरीब की जो सीमा है उसको जा रहे हैं गरीबों को और गरीब बनाते जा रहे हैं और जो अमीरों का है उसको फायदा पहुंचाते जा रहे हैं आप देश के लिए विकास नहीं बल्कि देश के लिए एक तरह से घाटे का सौदा करते जा रहे हैं ये बात राहुल जी ने कही यानी हमारे प्रिय राहुल गांधी ने बात कही है अब दोस्तों रिपोर्ट क्या कहती है राहुल के पूरे वाक्य को क्या कहती है पूरे भाषण को हम देखते हैं इस रिपोर्ट में ही तो दोस्तों तो यहाँ पे मोदी का बिना नाम लिए राहुल जी ने बड़े बड़े बात कह डाली उन्होंने कहा कि बड़ी उद्यमियों को करोड़ों बांट दिए वह कौन था अपने भाषणों में बड़ी बड़ी बातें करते हैं जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां किसानों का कर्ज माफ किया गया है तथा जो कहा था वह करके हमने दिखाया लेकिन भाजपा ने इससे जुमला बताया लेकिन हमने दो से दस दिन में किसान मजदूर और हजारों हजारों करोड़ों का कर्जा माफ किया तो ये बात सही है या गलत है जो मोदी सरकार की योजना है वो सही है या गलत है आप पर हम बात छोड़ते हैं ये बात राहुल जी ने कही है राहुल क्या कह रहे हैं राहुल गांधी क्या कह रहे हैं ये बात दोस्तों कुछ आपको बात समझ में आई होगी राहुल गांधी यह आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्ज माफी अब आपका मुद्दा है आप इसको बड़ा चढ़ा कर नहीं बोलकर आप ऐसा इसको हक मान लो अपना कि ये हमारा सीधा हक है जो सरकार से हम लेकर ही रहेंगे आपने मन में यह ठान के रख लो ये राहुल जी ने अपने बात कही है पूरी भाषण में यही बात बताई है किसी भी पर प्रकार से उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि हम अभी भले ही प्रधानमंत्री के पद पर, पर नहीं है लेकिन हम आपके साथ हैं हमारी सरकार अभी लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हैं हम जीते हारे लेकिन आपको भले ही हम प्रधानमंत्री नहीं हैं लेकिन फिर भी हम आपको लाभ दिलवा कर ही रहेंगे ये बात उन्होंने अपने भाषण में कही राहुल जी राहुल गांधी अपने भाषण में यही बात कर रही है कि हम कर्जमा भी करवा कर ही रहेंगे तो उन्होंने कुछ और माफी के मुद्दे को बहुत ही बड़ा बनाया और कहा कि कर्ज माफी कर करेंगे हम सरकार से अब दोस्तों पूरा हम बात करते हैं इस डिटेल्स पे गौर करते हैं तो यही हमको बात छाटने को मिलती है यह बात हमको देखने को मिलती है कि किस प्रकार से कर्ज माफी को लेकर दबाव बनाती नजर आ रही यहाँ पे राहुल सरकार यानी कि राहुल जी बनाते नजर आ रहे हैं भाजपा पर भाजपा को अपना शिकार बनाया है राहुल गांधी ने भाजपा को अपना शिकार बनाया उन्होंने वादा किया था कि पंद्रह लाख का वायदा किया था लेकिन किसी को नहीं मिला पंजाब में कांग्रेस सरकार किसानों का लाभ देने का प्रयास में है लेकिन केंद्र इसका नुकसान पहुंचा रही है आज देश में निराशा का माहौल है युवा और किसान सहित सभी वर्गों में मायूसी है क्यों मायूसी है क्योंकि मोदी सरकार ऐसी योजना ला रही है जिससे पिछड़ापन और अधिक हो जाए किसान कर्ज माफी को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए यहां पर एक फिर से बहुत ही बड़ा हमला बोला और उन्होंने अपनी चुनावों की जमकर प्रशंसा की और चुनावों के लिए जमकर वादे किए किसान वर्ग को लेकर युवाओं को रोजगार और किसानों को सही दाम देने का उन्होंने वादा किया और उन्होंने फिर से सत्ता में आने के बाद में बहुत ही बड़ी बड़ी बातें की बड़ी बड़ी जमकर यहाँ पे वादे बोले कुछ बड़ी बड़ी घोषणाएं की जो कि यहाँ पर किसान संगठन को किसान को एक तरह से एकत्रित करने की बात हुई साथ में अपने वोट अधिक से अधिक खींचे जाए किसान को लेकर किसान वर्ग के वोट अपने तरफ लाने की बातें भी कही तो ये यहाँ पे राहुल गांधी ने अपने जो है बड़े बड़े बात कही है मैं बता देता हूँ पूरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट यह थी कि राहुल गांधी जमकर हल्ला बोल रहे हैं जमकर बरस रहे हैं यहाँ पे मोदी सरकार पर मोदी सरकार को कह रहे हैं चेता रहे हैं कि अब की बार आप कर्ज माफी कर दे अन्यथा आपका बुरा हाल हो सकता है अपनी सता गवा सकते हैं क्योंकि किसान अब एकत्रित है किसान अपना अधिकार लेने से नहीं चुकेगा और किसान ने अब मान लिया है कि हमारा अधिकार है हमारा हक है कर्ज माफी आप कर दे कर्ज माफी ये इस प्रकार से पूरे बात में, मैं बता देता हूं कि भाषण में यही बात हुई है पूरी बात एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के अनुसार ये आई है कि कर्ज माफी को लेकर चेताया है यहाँ पे मोदी सरकार को और जनता को एकत्रित होने का सबूत भी दिया है यहाँ पे राहुल गांधी ने मोदी सरकार को दोस्तों आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने के बाद में तो तो आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे लिए न्यूज आती है मोदी सरकार की तरफ से मोदी सरकार की तरफ से आती न्यूज यह है कि यहाँ पर राहुल जी पर भी हमला बोलता नजर आ रहा है मोदी जी मोदी सरकार में अमित शाह ने बोला अब की बार हमला हम बताते हैं एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के अनुसार कि किस प्रकार से आया है बड़ी बात अमित शाह की तरफ से तो अमित शाह का बड़ा बयान दोस्तों अमित शाह ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने कर्ज माफी के नाम पर किसानों को छला के यानी कि उनके साथ छल कपड़ के साथ उनको बल्कि ठगा है और यहाँ पर ये छल कपड़ अब भारी पड़ेगा का कांग्रेस पर दोस्तों ये एक तरह से संकेत है कर्ज माफी को लेकर कि कर्ज माफी है गलत इसको लेकर संकेत दिया है अमित शाह ने बात पूरी यहां पे अपने बोली नहीं है सही मुंह से लेकिन ऐसी बातों से लग यही रहा है आपको कि कर्ज माफी यहाँ पे सरकार गंभीर नहीं है इतना इतना गंभीर नहीं है केंद्र सरकार लेकिन केंद्र सरकार को कहीं पता ना चल जाए कि यहाँ पर अब यहाँ पे लोकसभा चुनाव का दौर है तो लोकसभा चुनाव में कुछ भी हो सकता है उनकी हार भी हो सकती है और कर्ज माफी एक ऐसी मुद्दा है जो हर किसी को जीत दिला देती है भले ही वो कैसी पार्टी हो चाहे जीत उसको जीत मिल जाएगी तो इसी कारण कर्ज माफ़ी कभी भाषा पलटने वाली योजना है इसी कारण यहाँ पे मोदी सरकार अब इसको लेना चाहता तो है लेकिन केंद्र सरकार अब पहले जो बातें करके आया है यहाँ पर अब भी बातें यही कर रहा है तो यहाँ पे ऐसा लग नहीं रहा है कि कर्ज माफी करेगा अब दोस्तों देखिए यहाँ पे पूरी बात क्या लिखी है कि सरकार किसानों के पैसे से ही कर्ज माफी कर रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों का पचास हजार करोड़ रुपए का कर्ज माफ करना था तो ये कांग्रेस पर बात चल रही है च्थुध 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 और कांग्रेस की कर्ज माफी को गलत ठहरा रही है कुल मिला के बात यह है कि किसान कर्ज माफी किसान को अहम मुद्दा मानते हुए यहाँ पे किसान को संबोधित किया है और कहा है कि हम आपके हक की बात कर रहे हैं हम आपको चेता रहे हैं किसान को ये इस प्रकार से अपने प्रिय वाक्यों में बोले हैं अमित शाह हम पूरी अंदरूनी बात बता रहे हैं आपको कि किस प्रकार से यहां पे अमित शाह कह रहे हैं लेकिन जो उसके अंदर से वाक्य आ रहे हैं वह कुछ और ही बता रहे हैं भैया कुछ और कह रहे हैं बातें कुछ और बोली जा रही है ये बात कुल मिला के है कि अंदरूनी बात कुछ और है, बाहरी बात कुछ और है बाहरी बात में यह आ रहा है कि कांग्रेस की माफी गलत है लेकिन दोस्तों दूसरी बात यह है कि चुनावी वादे को लेकर चुनावी यहाँ पे मुद्दे को लेकर अब किसान अहम मुद्दा बन चुका है और इसी कारण चुनाव में किसान वोट बैंक को अपनी तरफ मान रहा है यहाँ पे लोकसभा चुनाव में सब पहले शाह सरकार मोदी सरकार अपनी तरफ करना चाहती है किसान वोट बैंक को तो यहाँ पे इसी कारण ऐसे एस ऐसे बातें बोली जा रही ताकि कांग्रेस को यहाँ पे अपना विरोधी मान ले अपना किसान ताकि कांग्रेस की तरफ जाए ना किसान ये बात अपनी पूरे भाषण में कह रहे हैं अमित शाह और दोस्तों जैसा राहुल जी ने मैंने जैसा बताया था राहुल जी ने तो चेताया है पूरी तरह से कि आप कर्ज़ माफ़ी कर दें अन्यथा हम आपका ऐसा हल कर सकते हैं यहाँ पे कि आपको खुद फिर करनी पड़ेगी कर्ज माफ़ी इसलिए आप अभी कर दें कर्ज़ माफ़ी ये तो यहाँ पे चुनाव का दौर है इसी कारण सब संभल जाएंगे और यहाँ पे आपके लिए कर्ज़ माफी अभी भी रास्ता तो ओपन ही है क्योंकि दोस्तों चुनाव एक ऐसा मुद्दा है जो हर कोई अपने आप छोड़ना नहीं चाहता चुनाव हर कोई पार्टी जीतना चाहती है चाहे मोदी हो चाहे राहुल हो चाहे कोई भी पार्टी हो वह चुनाव जीतना चाहता ही है ये तो यहाँ पर क्यों छोड़ेगा आपकी बार भाजपा सरकार अपनी गड्डी अपना गढ़ क्यों छोड़ना चाहेगा लोकसभा चुनाव पर सदा आपकी बार बचाएगा फिर से इसीलिए जरूर लाएगा कर्ज माफी का मुद्दा अभी भी है यहाँ पे कर्ज माफी की घोषणा के आसार चल रहे हैं बड़े बड़े आसार और दोस्तों यहाँ पे सूत्रों के भी अनुसार यही है क्योंकि वार किसान एक ऐसा मुद्दा बना है लोकसभा चुनाव से पहले कि हर कोई उस पर है मेहरबान किसान कर्ज माफी को लेकर भी बातें आ रही है चरा बढ़ाकर यहां पे ये बात हम आपको बता रहे हैं और सूत्रों के अनुसार के ये रिपोर्ट आई है

तो हर कोई पार्टी लेना चाहता है यानी मोदी सरकार आपकी कर्ज माफी कर देगा भले ही कैसे भी करके करे लेकिन जरूर कर देगा क्योंकि ऐसा ही मुद्दा है कर्ज माफी दोस्तों यही थी सारी प्रक्रिया माफी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार जो आपको मिली है दे दे दी भी है आपको तो आज की हमारी वीडियो आप शेयर कर दो और लाइक करके घंटी के, के निशान को जरूर दबा दोस्तों वीडियो देखने का धन्यवाद जय हिंद जय जै भारत वंदे मातरम